हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेल ई लर्निंग टूडेज़ टॉपिक इज सिंपल रेसिमोस इन्फ्लुस सो रेसिमोस इन्फ्लुएंस यू नो दैट इन दैट इन्फ्लुस इनफ्लुएंस एपिकल बर्ड नेवर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर इट नेवर फॉर्म्स अ फ्लावर ओके एंड इट कीप्स ग्रोइंग जो हमारा शूट होता है या फिर फ्लावर जो इन्फ्लुस होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है सो

टॉप पे ओल्डेस्ट एट बेस ओके और या फिर जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमको सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट नजर आएगा अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों में एक्रोपेटल एंड सेंट्रीपिटल बोथ हो बट इफ़ वी कांट सी एक्रोपेटल वी विल डेफिनेटली सी सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स मीन्स ओल्डेस्ट फ्लावर जो होंगे वो बाहर होंगे और यंगेस्ट अंदर की तरफ होंगे ठीक है यंगेस्ट सेंटर में होंगे और जैसे जैसे हम बाहर आते जाएंगे हमें ओल्डेस्ट फ्लावर बाहर दिखेगा सेंट्रिप्टल अरेंजमेंट होगा सो फर्स्ट वी हैव टिपिकल रसीम सिंपल जैसे बताया एग्जिल में लीफ के फ्लावर्स ग्रो करेंगे सो दिस विल बी द केस ठीक है जैसे हमें रसीम के बारे में पढ़ा है वही होगा तो ये हमें डल्फीन में मिलता है कॉमन नेम इज़ लॉक्सपोर रेननकुलेसी का एक बहुत ही कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट है देन इट विल बी फाउंड इन रेडिश रेफरेंस में मिल जाएगा ओके देन इन मस्टर्ड हमें लगता है कि शायद टिपिकल रसीम है पर नहीं है दैट विल सी लेटर ऑन कि मस्टर्ड में कौन सी टाइप की इन्फ्लोरिस है ठीक है इन ओल्डर बुक्स यू विल फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ मस्टर्ड इन टिपिकल रसीम ऑल्सो बट ये रसीम में हम नहीं लेंगे अब अब हम इसको किसी और कैटेगरी में लेंगे नेक्स्ट वी हैव गॉट स्पाइक स्पाइक में क्या होगा वही टिपिकल रसीम के फ्लावर्स बट फ्लावर्स विल बी ससाइल मीन्स दे डू नॉट हैव अ पेडिसल ओके पेडिसल के बिना जो फ्लावर्स होंगे ओके okay? वो होंगे हमारे ससाइल फ्लावर और पिडंकल जो होगा एलोंगेट हो जाएगा सो समथिंग लाइक दिस वी विल बी एबल टू सी ब्रैक्ट्स ब्रैक्ट्स ओके यू नो ब्रैक्ट्स आर सिंपल लीव्स ऑन विच आर हैविंग फ्लावर्स इन देर एग्जिस हेयर ब्रैक्ट्स आर रिड्यूस्ड मीन्स वो बड़े पूरे लीव नहीं है फुली ग्रोन बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे विल बी हैविंग फ्लावर्स क्योंकि पेडिसल नहीं है तो सीधा फ्लावर यहाँ पर अटैच है सो दिस टाइप ऑफ स्पाइक इज फाउंड इन कायरेंथस जिसको हम पुटकंडा बुलाते हैं उल्टे कंडे लगे हुए उल्टे स्पाइंस लगे हुए ठीक है ये मिल जाता है हमें हाईवे पे हम उतरते हैं हाई के पास में जहाँ पर वाइल्ड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और ये बहुत ही कॉमनली हमारे कपड़ों में भी फंस जाता है ठीक है दी स्पाइंस वी गेट स्टक टू आर क्लोथ ऑल्सो समटाइम्स देन देर इज अमरेंथस चलाई राजगिरा उसमें भी हमें स्पाइक मिलता है ठीक है देन अनदर वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इज बॉटल ब्रश ये तो सबने देखा है बॉटल ब्रश ओके बॉटल ब्रश है कैलिस कैलिसमन ओके दिस इज साइंटिफिक नेम तो बॉटल ब्रश में भी स्पाइक है सिसाइल फ्लावर्स ऑन एन इलोंगेटेड पिडंकल यहां पर एक होता है स्पाइकलेट भी ओके स्पाइकलेट जो है उसमें क्या है कि उसमें बहुत छोटी स्पाइक्स है वेरी स्मॉल स्पाइक्स ओके विथ वन और अ और फ्यू फ्लोरेट्स फ्लावर्स क्योंकि वहाँ बहुत छोटे हैं तो उसे हम फ्लोरेट्स बोलते हैं स्मॉल फ्लावर्स को हम फ्लोरेट्स बोलेंगे ठीक है तो जो ये है स्पाइकलेट है बहुत छोटी स्पाइक है बहुत कॉमनली मिलती है ये वीट में ग्रासेस में ठीक है ग्रामिनी फैमिली में ये हमें मिलेगा आ, वीट एंड अदर ग्रासेस पोएसी जिसका अब हमारा नया नाम है ठीक है ग्रामिनी वाज़ द ओल्डर नेम क्योंकि अब फैमिलीज को जो नेम किया किसी एक रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे किया हुआ है दैट्स वाई नाउ इट इज़ कॉल्ड पोएसी तो इसमें क्या होता है कि जो स्पाइकलेट है उसका जो एक्सिस है उसको हम रैकिला बुलाते ठीक है एंड ये है अगर देखो जैसे आपने वीट देखी है ना वीट में ऐसे लगे रहते हैं ना ग्रेन्स देखे होंगे आप लोगों ने तो उसमें ये आंस होते हैं लंबे लंबे ठीक है ये ईयर है लीफ का तो इसके ऊपर इसमें से हमने अगर एक निकाल के देखा यहाँ से तो वो होगा एक स्पाइकलेट ठीक है तो इसको बोलते हैं हम बीच में हम इसको बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स भी बोलते हैं इसको ठीक है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स है ये पूरा स्पाइक अरेंजमेंट बट अगर हम एक देखेंगे तो दैट इज वन सिंगल स्पाइकलेट ओके एंड स्पाइकलेट क्या है जिसमें एक या ज़्यादा फ्लोरेट्स हैं और बेसिक तो आपको मालूम ही है स्पाइक का पिलं पिडंकल है इलोंगेटेड जिसके ऊपर ससाइल फ्लावर्स होंगे और वो भी एक्रोपेटल मैनर में अरेंज होंगे यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे रहेगा ठीक है तो जो वीट है ना वीट का जो फ्लावर होता है आ, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसके बस एक कॉमन देख लेते हैं ठीक है सो इट हैज़ गॉट इरेक्यूलर ठीक है यहाँ से जाएगा ये ऐसे जाएगा तो इसके ऊपर रहते हैं जो ब्रैक्ट्स को बोलते हैं हम ग्लूम ओके और जो ग्लूम है ना इसके एक्सिल में कोई फ्लावर नहीं है नॉन फ्लावरिंग है ये स्टेराइल ब्रैक्ट है ये और जो हमारे फर्टाइल ब्रैक्ट्स होते हैं वो होते हैं लेमा ठीक है और दूसरे को हम बोलते हैं पेलिया 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 के ऊपर थोड़ा सा आपने देखा होगा कई बार वेन्स नज़र आ रही होती हैं ऐसे तीन मार्किंग्स सी होती हैं इसके ऊपर पेलिया कभी आपने वीट देखा हो यह ट्रांसपेरेंट सा होता है ठीक है देन इसके अंदर होता है फ्लावर यू नो इट इज़ वीट सॉरी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर तो इस फ्लावर के अंदर कुछ भी अट्रैक्टिव तो नहीं है ये ओवरी रहेगी ठीक है ओवरी देन स्टिग्माज़ ये जैसे हम देखते हैं फैदरी स्टिग्माज होते हैं जैसे कि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के होते हैं पोएसी फैमिली में होते हैं स्टिग्मा है और यहाँ पर तीन एंथर्स तीन स्टेमल्स हैं ये रहे तीन स्टेमल्स वन टू एंड तीसरा थोड़ा ऊपर बना देते हैं ऐसे ठीक है ये फ्लावर है और ऐसे ही पेलिया लेमा दो गए क्लूम तीन ये एक स्पाइक है जिसके ऊपर ससाइल फ्लावर्स लगे हुए हैं सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा ठीक है और जो हमारा लैमा होता है ना उसमें से ऑन निकलता है लंबा सा जो हमारे ये स्पाइनी सा ये है ऑन ये होते हैं जो वीट के अंदर ठीक है तो ये वीट फ्लावर में आपको बता दिया है जस्ट यू ही स्पाइकलेट बताने के लिए तो दिस इज द स्टिग्मा एंड ओवरी मतलब गाइनीशियम और इसके ऊपर एंड्रोशियम में तीन स्टेमेंस, ठीक है तो ये स्पाइकलेट है वीट का स्पाइकलेट स्पाइकलेट ऑफ वीट इसमें फ्लोरेट्स हैं बिकॉज फ्लावर्स आर सो स्मॉल वी कॉल देम फ्लोरेट्स ठीक है तो इसमें ऐसे रहता है और ये अरेंज कैसे हैं रसीमोस में ठीक है रसीम में अरेंज्ड है ओके तो इसे बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स वीट के केस में लेकिन एक अकेला स्पाइकलेट भी हो सकता है जैसे कि ग्रासेस में होता है नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लोरिस इज तो ये स्पाइक एंड स्पाइकलेट मैंने एक में आपको बता दिया ठीक है नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लोरिस इज कैटकिन कैटकिन में क्या होगा यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे मेल और फीमेल मलबरीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, है उसमें फ़ीमेल फ्लावर्स हैं ठीक है कैटकिन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे एक स्पाइक में जैसे ये एक स्पाइक ही है बट विद यूनिसेक्शल फ्लावर्स स्पाइक में ससाइल फ्लावर्स हैं इसमें भी हैं यू कैन सी ब्रेड्स कमिंग आउट ठीक है यूनिसेक्शल फ्लावर्स हैं इकट्ठे हैं और ये पूरा एज अ यूनिट ही नीचे फॉल होते हैं जब भी होंगे ओके okay? एंड ये जो है एक चीज़ और इनकी क्या बतानी थी कि जनली ये हैंगिंग होती नीचे हैंग करते नीचे की तरफ इसका मलबरी एग्जाम्पल आ गया है इसका एक और एग्ज़ाम्पल है पॉपुलर ठीक है जो हमारे ट्रीज़ हैं और उसके बाद है विलो विलो जिसके बैट्स बनते हैं उसमें भी ऐसा मिलता है जिसका साइंटिफिक नेम सैलिक्स है ठीक है तो ये मेनली इसके एग्जाम्पल्स हैं देन कम्स पैडिक्स पैडिक्स भी एक स्पाइक है विथ थक एंड फ्लैशी एक्सेस तो ये इसका एक्सेस आ जाएगा थिक एंड फ्लैशी पेडिसल इज़ थिक एंड फ्लैशी ओके देन इट हैज़ गॉड स्पेथ ऑल्सो जो कि है ब्रैक्ट ब्रैक्ट्स यहाँ पर लार्ज ब्रैक्ट है जिसको हम स्पेथ बुला रहे हैं ओके मेज एंड बनाना आर गुड एग्जाम्पल्स कोलोकेशिया भी एग्जाम्पल है जो कि uh, कचालू एंड अरबी ये भी एग्जाम्पल्स हैं इसके एंड मेज़ है मेज़ में फीमेल इन्फ्लोइसेंस इसमें कवर्ड होती है स्पेथ से द कोब जो छल्ली हम खाते हैं ठीक है और स्पेथ से कवर्ड है और कुछ में केसेस में जैसे बनाना है उसमें क्या होगा मेल फ्लावर्स ऊपर रहेंगे फीमेल फ्लावर्स नीचे रहेंगे एंड इट हैज़ गॉट अ बिग स्पेथ बनाना में कई स्पेथ्स होते हैं बट मेज़ में सिंगल स्पेथ से कवर्ड रहता है ये Okay, then comes the next type of inflorescence which is called corym corym में क्या होगा कि जो pedicels होंगे ये है हमारा central axis, the peduncle. पिडंकल के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो वैसे ही अरेंज है रसीमोस मैनर में रसीम में बट what happens कि उनके पेडिसल्स ग्रो हो जाते हैं elongate हो जाते हैं सो दैट ऑल फ्लावर्स कम टू लाई एट द सेम लेवल ठीक है चले ये अलग अलग जगह से थे अलग अलग जगह से स्टार्ट हुए थे बट दे विल द सेम लेवल तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि पेडिसल्स इलोंगेट हो गए इसलिए तो कॉरिम जो हमें मिलता है ये हमें आई में कैंडी टफ्ट इट्स ऑन आट वाइट फ्लावर्स लगते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे तो हम, ये है इसमें क्या मिलेगा हमें एक्रोपेटल मैनर नहीं मिलेगा क्योंकि सारे फ्लावर्स सेम लेवल पर ग्रो कर रहे हैं बट दिस विल बी इन द देंट्रिपिटल मैनर ओके सेंट्रिपिटल मैनर में कैसे जो यंगेस्ट फ्लावर होगा हमें सेंटर में मिलेगा एंड ओल्डेस्ट फ्लावर साइड पे मिलेगा बाहर मिलेगा ठीक है पैरीफरी पे देन कम्स कॉरम्बोज रेसीम जो हम मस्टर्ड की बात कर रहे थे कि मस्टर्ड में कौन सा है दिस इज़ द आंसर कॉरम्बोज रेसीम क्या होगा मस्टर्ड में ऊपर के जो फ्लावर्स हैं ये टॉप पर आ जाएंगे सो दे विल भी शोइंग कॉरम टाइप ऑफ इन्फ्लोस नीचे के जो पेडिसल्स होंगे वो इतने इलोंगेट नहीं हो पाएंगे कि वो टॉप पर आ जाए तो दिस हेयर दे विल बी शोइंग टिपिकल रेसीम तो इसे बोलते हैं कॉरम्बोज सो दिस इज फाउंड इन ब्रासिका कंपेस्टिस मस्टर्ड में देन हाइड्रोकोटाइल जिसको हम वाटर पैनीवर्ड भी बुलाते हैं वो उसमें ये मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लोडिस अम्बल अम्बल भी कॉरिंग जैसी है बट होगा क्या कि जो सभी फ्लावर्स हैं ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ दिस पिडंकल पिडंकल के कंडेंस होने की वजह से क्या होगा सारे के सारे यू कैन से जो ब्रैक्ट्स होंगे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पर आकर एक एक साथ सारे ब्रैक्ट्स दिखेंगे और ये फ्लावर्स जो उनके एक्जिल में से ग्रो कर रहे हैं वो ऐसा लगेगा कि एक ही पॉइंट से ग्रो कर रहे हैं ओके दे विल रीच द सेम लेवल एंड दे विल स्टार्ट फ्रॉम दे दे लुक लाइक एज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम लेवल ये मिलता है हमें ब्रह्मी में जिसको सेंटेला बोलते हैं ये अम्बेली फेरी फैमिली में मिलती है ये वाली इन्फ्लूस जनरली। अम्बेली फेरी यू नो कोर फैमिली एम्बेलीफरी इज़ द ओल्ड नेम न्यू नेम इज़ एपी एस सी एंड ये एम्बेली फैरी में या एपी एस सी में जो मिलती है इसका मतलब जो हम कोरिएंडर और कैरेट भी लिख सकते हैं लेकिन उसमें क्या है कि कंपाउंड अम्बल है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल रेसिमोस इन्फ्लुस तो कंपाउंड अम्बल में क्या होगा ये अम्बल्स एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होंगी फिर से यहाँ पर ऐसे अम्बल निकल रहा होगा ठीक है एक ही के ऊपर एक से ज़्यादा अम्बल इन्फ्लुसेंसेस होंगी ऐसे अगेन ये फ्रॉम हेयर अनदर अम्बल इज़ ग्रोइंग वो कंपाउंड अम्बल में आ जाएगा जिसमें हम कोरिएंडर या कैरेट को ले सकते हैं ठीक है थीके? सो कैपिचुल इन्फ्लोरेसेंस इसको रेसीमोज हेड भी बोलते हैं ओके okay, ये कैरेक्टरिस्टिक uh, इन्फ्लोरेसेंस है फैमिली एस्टरेसी फैमिली की जो सनफ्लावर फैमिली है ओके okay, जिसका पुराना नाम कंपोजिटी था तो ये जो फैमिली है इसमें कैपिचुर इन्फ्लुसेंस मिलती है कम्पोजिटिव बोलते थे इसको पुराना नाम था तो ये हमारे को सनफ्लावर में मिलेगा ये इन्फ्लुसेंस ठीक है तो हमारे माइंड में आ जाएगी पिक्चर सनफ्लावर की हेलियंतस की क्राइसेंथेमम है गुल ठीक है क्राइस भी बड़ा ब्यूटीफुल फ्लावर है देन आ, ये मिलती है अगर हम वाइल्ड में देखते हैं सोंकस एजिरेटम इनमें ठीक है मैरीगोल्ड फिर से कल्टीवेटेड लिख रही हूँ ठीक है आ, और कौन सा होता है एस्टर हो जाएगा एस्टर जिसके नाम पे है मैरीगोल्ड टेजिटस हो गया जीनिया हो गया ओके देन देर इज कैलेंडुला ये सारे फ्लावर्स जो हैं इनमें हमको मिल जाएगा अंडरलाइनिंग आई एम अंडरलाइनिंग द साइंटिफिक नेम्स इन सब में हमें कैपिचुलम इन्फ्लोरस मिलेगा जिसे रेसिमोस हेड भी बुलाते हैं तो इस इन्फ्लोरिस में क्या होगा कि जो पडंकल है ओके okay, जो मेन एक्सिस है इन्फ्लोरिस का वो फ्लैटन हो जाएगा फ्लैटन होकर वो ऐसा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ठीक है जिसको हम रिसेप्टिकल बोलेंगे और इस रिसेप्टिकल के नीचे क्या होगा जो सारे ब्रैक्ट्स हैं अब इस पर क्या होगा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना इसके ऊपर जो इस क्योंकि ये रेसिमोस है इसमें जो फ्लावर्स हैं दे आर वेरी स्मॉल फ्लावर्स तो हम उसको बोलेंगे फ्लोरेट्स ठीक है इसके ऊपर फ्लोरेट्स अरेंज होंगे सारे ठीक एंड दिस विल बी दिडंकल पिडंकल ही फ्लैटन हो गया ये भी पिडंकल ही है सारा जो कि रिसेप्टिकल बना रहा है फ्लैटन होके अब ये जो फ्लैटन हुआ है ये कनकेव साइड भी हो सकता है कन्वैक्स साइड भी हो सकता है कन्वैक्स होगा तो ऊपर का उठा रहेगा कंकेव है जैसे नीचे को झुका हुआ है देन इसके ऊपर पूरे फ्लोरेट्स अरेंजड होंगे ठीक है यहाँ पर सारे होंगे फ्लोरेट्स स्मॉल फ्लावर्स ठीक है दीज आर ऑल फ्लोरेट्स और फिर जो ब्रैक्ट्स थे सारे ब्रैक्ट्स मिलकर एक साथ इकट्ठे होकर दे विल मेक इन्वॉल्यू ठीक है यहाँ पर इसके नीचे रिसेप्टिकल के नीचे वी विल फाइंड इन वॉल्यूकर जो कि कुछ नहीं है uh, क्या चीज़ है ये ठीक है दिस इज वॉट इन वॉल्यूकर इज यू कैन से कि ऑल ब्रैक्ट्स कंबाइंड टूगेदर दिस आर वर्ल्स ऑफ ब्रैक्ट्स तो ये एक वर्ल्ड भी हो सकता है ब्रैक्ट्स का वल ऑफ ब्रैक्ट्स इज़ कॉल्ड इन और ये एक भी हो सकता है सिंगल बॉल और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एज इन केस ऑफ सनफ्लावर एक हम सनफ्लावर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कैसा होता है तो अगर हम सनफ्लावर का देखते हैं तो वी कैन सी इट्स रिसेप्टिकल ठीक है रिसेप्टिकल के नीचे आपको इनव कर दिखेगा सारे ब्रैक्ट्स ऐसे दिखेंगे देन वी कैन सी इसमें दो टाइप के हमको फ्लोरेट्स मिलेंगे एक होते हैं रे फ्लोरेट्स दूसरे होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। तो डिस्क फ्लोरेट्स जो सेंट्रल डिस्क पे आएंगे सेंट्रल में आएंगे उन्हें हम डिस्क फ्लोरेट्स बुलाएंगे और जो साइड्स में आएंगे जैसे सन सनफ्लावर की जो रेज बना रहे होंगे दोज विल बी रे फ्लोरेट्स ठीक है रे फ्लोरेट जो अगर हम देखेंगे तो रे फ्लोरेट्स हमको दिखेंगे या तो वो फीमेल फ्लावर होंगे या फिर वो न्यूटर होंगे ठीक है मीन्स स्टेराइल और जो डिस्क फ्लोरेट होते, है, होते हैं जर्नली वो बाईसेक्शुअल फ्लावर्स होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स ठीक है डिस्क फ्लोरेट्स देखेंगे तो हमें उसमें हमको ऐसे स्टिग्मा भी नजर आएगा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी then वी कैन ऑल्सो सी देअर stamens ठीक है और uh, साथ में ये हमारा जो भी है क्या हो गया इसको पेरियंथ हो गया ठीक है तो ये डिस्क फ्लोरेट ऐसे दिखेंगे हमको और uh, रे फ्लोरेट्स ऐसे सिंगल uh, पेटल और उसके साथ में यहाँ पर बाकी पेरी नज़र आएगा जैसे सेपल्स होते हैं वैसे और दीज कुड बी फीमेल फ्लावर्स या फिर ये न्यूट्रल फ्लावर्स होंगे स्टेराइल फ्लावर्स ठीक है so, सो डिस्क फ्लोरेट्स विल बी अरेंज इन द सेंटर ऑन द डिस्क एंड रे फ्लोरेट्स ऑन द साइड्स ठीक है तो जितने भी ये फ्लावर्स हैं ये फ्लावर्स नहीं हैं बल्कि ये पूरा का पूरा बंच ऑफ फ्लावर्स हैं कंपोजिटिव फैमिली के जो हैं इसमें हमें कैपिचुलम हेड नज़र आएगा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल रेसीमोस इनफ्लोरिस ठीक ये जो फ्लावर्स हैं ये रेसीमोस मैनर में ही अरेंजड हैं और हमें अगर हम इनको देखेंगे तो ये भी सेंट्री पिटल मैनर में अरेंजड है इनका अरेंजमेंट सेंट्री पिटल रहेगा ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सिंपल रेसीमोस इन फ्लोरिस and in next video we will be discussing about compound and fluoroses thanks for watching please do like the video and share with your friends bye bye